हाय गाइस, हाय, हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक इन माय चैनल विद बी परफेक्ट विद निशा। एंड हाय, आई एम निशा हियर। सो वेलकम इन अनदर वीडियो। सो आप देख सकते हो कितने मेरी स्किन ग्लोइंग है। नेचुरल लाइट में मैं शूट कर रही हूँ, आप ग्लोइंग देख सकते हो। स्किन कितनी क्लियर है आप वो भी देख सकते हो। तो इसके लिए मैंने क्या किया, आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट टीस्पून ले रही हूँ, मैं बेसन ले रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं ले रही हूँ राइस फ्लोर। राइस फ्लोर देखा होगा, मतलब राइस को क्या आप ग्राइंडर में पीस दो एंड उसको एकदम फाइन नहीं पीसना है आपको, एकदम थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए। ये हम बना रहे हैं स्क्रब, तो होममेड स्क्रब है। एंड यहाँ पे मैं पिंच ऑफ मैं डाल रही हूँ हल्दी। यहाँ पे आप चाहो तो कस्तूरी हल्दी ले सकते हो, मेरे पास तो अवेलेबल नहीं था। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। एंड मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं दे रही हूँ 2 टेबलस्पून वाटर, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट आपकी हो उसके हिसाब से आपको वाटर लेना है। आप इसके अलावा आप यहाँ पे दही ले सकते हो, दूध ले सकते हो, आपकी स्किन के स्ट्रक्चर के हिसाब से जो आपको सूटेबल है वो ले सकते हो आप। तो यहाँ पे ये बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको एकदम क्रीमी फॉर्म में चाहिए ना तो आपको दही ज़रूर यूज़ करना, अगर आपको सूटेबल है तो। अदरवाइज़ आप दूसरा रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको इतने और सारे ऑप्शंस दे दिए हैं, चलो मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे लगाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, क्योंकि ये नीचे बहुत फॉल आउट होने वाले हैं क्योंकि लगाते वक्त, क्योंकि थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में, ओके, भले इसमें आपने वाटर मिक्स किया है लेकिन जितना आप लगाओगे ना उतना ही आपको नीचे भी गिरेगा। तो क्या हुआ, लगाते हुए आपको सर्कुलर मोशन में आपको हैज अ स्क्रब करना है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा स्क्रब करते हुए स्किन पे जितना मतलब ले ले स्किन उतना मैं कर रही हूँ एंड धैन मैं स्क्रब करूँगी, ओके। तो यहाँ पे स्क्रब करने के बाद क्या, एकदम जेंटली स्क्रब करना है क्योंकि इसके पार्टिकल्स एकदम मीडियम साइज़ के हैं, ना ज़्यादा लार्ज ना ज़्यादा स्मॉल साइज़ के। तो एकदम जेंटली आपको स्क्रब करना है। अब स्क्रब करने से क्या होगा कि जो आपकी स्किन है ना वो एक्सप्लोट होगी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगी। जब अगर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगी ना तो आपका फेस खुद ही अंदर से ग्लोइंग स्किन आपका बाहर आने वाला है, ओके। तो ये बात याद रखना, आपको हफ्ते में एक बार तो करना ही चाहिए स्क्रब। तो होममेड स्क्रब बता रही हूँ जिसमें आपके 1 रुपये भी ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे, आपको खर्चा नहीं होगा। जो भी यहाँ पे होम रेमेडी आपको मैं बता रही हूँ, जो अगर आपके बाहर जाके बाहर से लेके आने की मेहनत नहीं लगेगी। तो यहाँ पे अगर आपको इसको फेस पैक की लगा तरह लगाना है तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर स्पेस फेस पैक की तरह लगाना है तो थोड़ा सा आपको लिक्विड ही बनाना पड़ेगा, मतलब जितना मैंने थिकनेस बनाया ना उतना थिकनेस नहीं रखना है। एंड इसको हैज अ फेस पैक की तरह लगा के रख भी सकते हो। आफ्टर यूज़ आपने यहाँ पे 5 मिनट्स तक रखना है एंड आफ्टर आपको फेस वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर से ही। तो आप यहाँ पे ग्लो देख सकते हो। एंड रियली गाइस, स्किन बहुत ही स्मूथ फील हो रही थी मेरे को एंड बहुत ही ग्लोइंग तो आपके सामने ही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।